हेलो दोस्तों, मैं हूं इंडियन स्पोर्ट्स गेमर और स्वागत है आपका फीफा 20 के वोल्टा स्टोरी मोड में। आप देख सकते हो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, स्टार्ट स्टोरी, वोल्टा लीग और वोल्टा टूर। आई थिंक वोल्टा लीग ऑनलाइन ऑप्शन है और वोल्टा टूर में आई थिंक बाद में अनलॉक होगा। तो अभी स्टोरी शुरू करते, देखते क्या होता है। वोल्टा स्टोरी, वेयर हाउस, जे टेन्स क्लब हाउस एंड ट्रेनिंग कोर्ट, पिकअप टूर्नामेंट्स एंड मैचेस आर अवेलेबल हियर। ये तो उधर हम लोग को ट्रैवल करने का है और कोई तो टूर्नामेंट लग रहा है। तो बेसिक पहले स्क्रीन था जिधर मुझे मेरा नाम टाइप करना था, तो वो कर दिया और डायरेक्ट ये स्क्रीन आया। अभी तक कस्टमाइजेशन वगैरह ऑप्शन आए नहीं है, तो देखते हैं अभी डायरेक्ट कस्टमाइज करने मिलता है या ओके। ईए स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स, और ये कैरेक्टर मैंने सिलेक्ट किया था 9 कैरेक्टर्स में से। कोई तो शेडी एरिया में आ गए ये, तो इसका नाम है मेडन लेजेंड। मेडन उसका नाम है, लेजेंड उसका काम है। मेडन लेजेंड, और ये बेसिक कैरेक्टर था। इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, हेयर स्टाइल वगैरह कुछ चेंज नहीं किए। ओके, जे टेन ट्रायआउट वेयर हाउस, तो शायद कुछ ऑडिशन चालू है यहाँ पे, किसका पता नहीं। दोस्तों ये नया सीरीज है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये पूरा सीरीज कंप्लीट करूँगा और जल्द से जल्द वीडियोस लाऊंगा। ओ defending, Meg, you're doing actual football. Maybe you're just mad because I panned you again. Dude, you talk about a panna like it's a goal. Seriously, every time. Every time this one fronts. Same team. We're here to play, so let's play. All right, okay. Same team में तो भी इतना झगड़ा कर रहे हैं, क्या point है? You get lost. I think अभी अपना time आएगा. Welcome to J10. Remy, you're late. स्टार कभी टाइम पे नहीं आते। तो अभी इसमें क्या करना होगा, गोल करना होगा, पास करना होगा, स्किल्स दिखाने होंगे, क्या करना होगा एग्जैक्टली देखते हैं। स्टार प्लेयर यहाँ पे पास किया, ओके तो इसको भी मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। टाना का नाम है शायद इसका। कितने लोग हैं टीम में? और 6-3, अच्छा ऊपर रेटिंग भी आ रहा है, तो बेसिकली फीफा के प्रो मोड जैसा है। और ये गोल मार दिया, तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई यहाँ पे, पर देखते आगे क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छा पास करने गए, शूट किया पर रोका कीपर ने, ऑलमोस्ट बोला है। तो ये लोकेशन, वेयर हाउस लोकेशन अच्छा लग रहा है, पीछे ग्राफिटी वगैरह अच्छा क्रिएट किया है यहाँ पे। सेव किया पर ये क्या फ्री किक दिया, आई डोंट थिंक फाउल था वहाँ पे। और ये बॉल मिल गया है, यहाँ पे थ्रू भी है और ये पोल पे लगा और ऊपर टाइम भी दिखा है, 1 मिनट 50 सेकेंड्स बाकी है अभी, और ऑलमोस्ट गोल हो गया था वहाँ पे। थ्रू पास, ओ और कुछ आइडिया नहीं अपने प्लेयर का रेटिंग कितना है, कितना स्किल्ड है, कुछ पता नहीं। डायरेक्ट मैच चालू कर दिया और यहाँ पे ये थ्रू हो गया। टी नाम है इसका, नहीं साइटो नाम है, और साइटो ने गोल कर दिया है यहाँ पे, तो 1-0 हो गया। इमोन साइटो नाम है उसका,
और ये बॉल सीधा अपने पैर के पास, पास नहीं कर पाए, मुझे सामने पास करना था। और ये अच्छा ब्लॉक यहाँ पे मेडन लेजेंड का, और यहाँ पे देखो अरे ऑलमोस्ट पास हो गया था, अच्छा सेव। और यहाँ पे चांस, नहीं ले पाए बॉल, नहीं पर ये पास गंदा, ओ मैं सामने पास करने गया पर नहीं हो पाया। और बहुत ही बढ़िया सेव, पर फिर रीबाउंड पे गोल मारा, और सिर्फ 30 सेकेंड्स बाकी है तो 30 सेकेंड्स में यहाँ पे गोल मारना पड़ेगा। बिग टी ने गोल मारा है और ये बहुत ही अच्छा रन, और मैं पीछे पास करने गया, नहीं हो पाया, और अपने प्लेयर्स ही नहीं है नज़दीक, ये क्या है, कोई प्लेयर ही नहीं है नज़दीक। 20 सेकेंड बाकी है अभी, सिर्फ फिर से कोई प्लेयर नज़दीक नहीं है, चांस शूट करने को, फिर से ब्लॉक किया, और गोल पोस्ट इतना छोटा है कि गोल मारना बहुत डिफिकल्ट है वन ऑन वन। और ये बहुत ही बकवास पास, 15 सेकेंड बाकी है, कुछ तो करना पड़ेगा। और 5 सेकेंड बाकी, और बॉल मिल गया है पर टाइम खत्म यहाँ पे, तो 2-3 स्कोर हो गए, कोई अपना हाथ भी नहीं मिला रहा, क्या फिर से रिट्राई करना पड़ेगा। मैच रिपोर्ट ला रहे हैं और इसके लिए भी लोडिंग स्क्रीन, सरप्राइजिंग। तो पहला मैच तो इतना सफल नहीं था, ये कौन है, वो 6 महीने में वर्ल्ड चैंपियनशिप है। PSG all sound like every Neymar team yaar usme to you need to earn a rep in this game, you all talk big, we are still waiting on that invite to Buenos Aires, abhi tak to invitation bhi nahi aaya aur ye log ko jana hai championship mein. Okay, where are you going? I was just going to show the new kid, but I think you should all see this right now. जैसे ही ऑप्शन आएगा मैं सबटाइटल्स ऑन करूंगा ताकि आप भी पढ़ सके क्या बात कर रहे वो। ओ जेजिनो, तो जेजिनो जब फीफा डेमो आया था तो 3 प्लेयर थे वहां पे, एक जेजिनो था और ये एड वैन गिल्स भी था वहां पे, आई थिंक सो, ये सब प्लेयर वहाँ पे थे और विनीशियस जूनियर थे तभी, इसी हिटमैन भी था वो ओपोनेंट टीम में था। ये देखो विनीशियस जूनियर आ गए, तो वोल्टा फुटबॉल में विनीशियस जूनियर फीचर कर रहे हैं, और कोई तो J10 टीम के फाउंडर है वो, तो मे बी उनकी लेगेसी हम लोग को आगे बढ़ाने का है। अच्छा ये तो वीडियो दिखा रहे थे, मुझे लगा एक्चुअल दिखा रहा है मैच। I could run rings around any of those old timers. Don't worry about those things, mate. Retro's cool, like, but you're gonna get hurt wearing them. Oh, अच्छे शूज हैं। Perfectly molded to my feet. Dude, those are perfectly broke. वो बोल रहा है कि उसके पैर पे वो चिपक गया है। Think more about style over function. I can pan at any of you in these. Look, Peter. It's Pete. You got mad skill, and that's why you're here. But this ain't one on one. You know these legends? They've been proving they're the best for years because they play as a team. Out there, tricks and skills don't mean nothing if
you can't use them to win a game. Barabar bola. Build a rep in this game. Gotta win. It's that simple. Now this local tourney we got coming up is the perfect place to start. तो लोकल टूर्नामेंट से चालू होगा और एंड में आई थिंक फाइनल गोल होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का. वुड यू लाइक टू लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ वोल्टा फुटबॉल? यू कैन ऑल्सो एक्सेस वोल्टा स्किलर्स फ्रॉम द होम मेन्यू एट एनी टाइम. देखते क्या है फंडामेंटल्स ऑफ वोल्टा फुटबॉल. तो वोल्टा स्किलर्स कम्पीट इन यूनिक गेम्स एंड लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग और डिफेंस. तो बेसिकली थोड़े कोई तो गेम्स होंगे, यूनिक छोटे छोटे गेम्स होंगे जो खेल के आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे इसमें ड्रिबल करने का, पास करने का, शूट करने का या फिर डिफेंड करने का. और इसमें अपने एट्रीब्यूट्स भी इम्प्रूव होंगे, इंक्रीज होंगे. अगर आप वो जो कुछ बोल रहे हो नहीं सुन सकते हो तो मैं सबटाइटल्स ऑन करूँगा, अभी तक चांस नहीं मिला है. ओके, तो यहाँ पे ड्रिबल करने का आई थिंक. ओह, टच किया तो माइनस पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग. ओके, फिर से बॉल लेके, अभी आई थिंक बॉल ले वे. अच्छा, ये साइड है बॉल. क्या टाइम नहीं, टाइम लिमिट नहीं है तो मैं इतना जल्दी क्यों करो, क्या पता. और ये शूट हो गया. आई थिंक जब तक वो सर्कल कंप्लीट नहीं होता तब तक खेलना पड़ेगा. तो ये बेसिक फंडामेंटल्स इससे सिखा रहे. ये इसमें कुछ नया नहीं है बेसिक. कोई भी आप फुटबॉल मैच खेलोगे तो यही कंट्रोल्स है और यही रूल्स होते हैं. और ये कंप्लीट हो गया तो भी खेलने बोल रहे हैं. ठीक है, एक खेलते हैं और एक राउंड. और ये शूट बहुत गंदा था पर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है. हाइट है 175 सेमेंट प्रिफर्ड फूड राइड. और आप देख सकते हो मेडन लेजेंड. और हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों. ये पार्ट्स में होगा. ये पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन है. अभी आप बेसिक फंडामेंटल्स दिख रहे हो और ऐसे आगे पार्ट्स आएंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब करके, आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे जल्दी सब्सक्राइब उतना ही मुझे मोटिवेट होगा आपको जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का. और पासिंग प्रैक्टिस यहाँ पे, उनका पास ऑटोमेटिक हो रहा है, अपना पास मैन्युअली है. आई थिंक ये पेप गार्डियोला का फेवरेट प्रैक्टिस है. और पासिंग चालू यहाँ पे, ऑलमोस्ट कंप्लीट. यस, कंप्लीट हो गया है. और हाइट वगैरह भी मुझे कुछ चूज़ करने का चांस नहीं मिला. जो बेसिक कैरेक्टर था वो सिलेक्ट किया. आई होप, आई थिंक अभी हाइट तो चेंज करने मिलेगी पर हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करने मिले. कस्ट बाकी क्लोथ्स वगैरह तो उसने अभी डिफेंड करने का है. ये डिफेंड किया. ओके, तो अभी गोलकीपर भी बनने का है. 200 से ज़्यादा और कैसे. और ये गोल दे दिया. सिर्फ 200 पॉइंट्स क्यों मिल रहा है, और ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए. और ये कंप्लीट यहाँ पे 10 अटेम्प्ट के अंदर कंप्लीट किया. तो पासिंग हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, शूटिंग हो गया और डिफेंडिंग भी हो गया. आई थिंक चारों बेसिक ने, शूटिंग नहीं हुआ था तो अभी शूटिंग प्रैक्टिस. और ये देखो मैंने कहा कि, और यहाँ पे टाइम लिमिट है. दो बार मिस कर चुके ऑलरेडी. तीसरा फाइनली अंदर गया. चौथा मिस किया. क्या चालू है. आई थिंक आगे जाके भी शूट कर सकते हैं फालतू का दूर. और ये और एक मिस. वाओ. और सी मिला तो ट्राई करेंगे ए लाने का. बहुत ही गंदा था वो, बराबर से नहीं किया था. आगे जाके शूट कर सकते तो. ओ, ऑब्स्टेकल हिट हुआ तो भी मुझे लगा माइनस पॉइंट्स देंगे पर फिर से ऑब्स्टेकल को हिट हुआ. तो ये राउंड का भी शुरुआत अच्छे से नहीं हुआ.
और ये भी मिस किया, वाह फाइनली एक अंदर गया। और लास्ट चांस अभी, फिर से सी मिला एक थर्ड टाइम ट्राई करें, थर्ड टाइम माइट बी द चाम। स्टार्ट तो अच्छा हुआ, ये मिस हो गया और एक मिस हो गया। ये गया अंदर, 7 सेकेंड ही बाकी है, अगर नहीं मार पाए तो सी मिलेगा फिर से। ये गया अंदर और सर्कल कंप्लीट। तो चारों स्किल्स में ए ग्रेड ले लिया है यहाँ पे, और बेसिक ट्यूटोरियल जो था कंप्लीट हुआ। अभी ये क्या, ब्रेकिंग द विस्टा, किक द बॉल थ्रू द विंडोज। तो लॉप पास या फिर शूट करके विंडोज तोड़ने का, इंटरेस्टिंग, ये बहुत फन लग रहा है। और सीपीयू के अगेंस्ट है कॉम्पिटिशन, दोनों ने 600 पॉइंट्स लिया है और मेरा बॉल बहुत ही दूर है। और आई थिंक उसका कंप्लीट हो जाएगा अभी। ओ एलिवेशन ही नहीं मिला और ये बहुत ही दूर आ रहा है। ये फाइनली हुआ और ये बराबर लाइन पे आया, शूट किया। अच्छा डायरेक्ट एफ दे दिया, और ये फिर से नीचे लगा। बहुत ही गंदा शूटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से वॉल पे। और एक आंसर है कि मैं राइट फुटेड हूँ और मेरे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, उसको डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट दे रहा है थिंक। और यहाँ पे तो बहुत ही डिस्टेंस है, आई डोंट थिंक हम लोग कवर कर पाएंगे। तो उधर से पूरा वो वॉल को बीट करके लाने में इतना टाइम लगता है कि बहुत मुश्किल है उसमें कंप्लीट होने का। फिर से एफ मिलने वाला है और एक बार रिट्राई करना पड़ेगा। और ये फिर से वॉल को लगा, ऑलमोस्ट वॉल को लगने वाला था। और ये अभी और ये आउट ऑफ जोन, वाओ ये कुछ नया ही आया आउट ऑफ जोन। हाँ जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, और काश मैं लेफ्ट फुटेड होता। लास्ट शॉट है, ये 1200 और उसके 1600 हुए, और एक बार ट्राई करेंगे होपफुली थर्ड टाइम इज द चार्म। स्टार्ट अच्छा हुआ, अरे यहाँ पे कभी कभी वो लेफ्ट फुट से मारते हैं, कभी कभी राइट फुट से मारते हैं, तो वो भी ओ ये देखो मिस हो गया। एलिवेशन नहीं मिला, पावर ज़्यादा चाहिए। ये फाइनली, एंड आई डोंट थिंक अपना सामने वाला कुछ मिस कर रहा है। तो ये एक उसका अभी ऑलरेडी टूटे हुए विंडो से गया, इसलिए दोनों का स्कोर सेम है। और ये हम लोग ने मिस कर दिया। और 200 से ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं मिलते, तो एक बार आपने मिस कर दिया तो चांस नहीं है वापस आने का। और फिर से 1200 और 1600 एक बार ट्राई करेंगे, ये लास्ट टाइम नहीं तो छोड़ देंगे। और स्टार्टिंग में ही गंदा शॉट, और
और आई थिंक मैं लेफ्ट स्टिक बराबर से यूज़ नहीं कर रहा था, डायरेक्शन देना चाहिए वो नहीं दे रहा था। और ये बॉल लाने में इतना टाइम दिया और ये कितना गंदा पास था। अभी तक दोनों के लकीली सेम स्कोर है पर आई थिंक उसने एक शॉट कम लिया अपने से। पर उसने एक मिस कर दिया, अभी दोनों के 1000 पॉइंट्स है और उसने और एक मिस कर दिया और हम लोग ने भी मिस कर दिया और उसने लास्ट हिट करके वो फिर से आगे चला गया है। आई थिंक ये उसका अभी तक का सबसे बकवास परफॉर्मेंस था पर तो भी हम लोग उसको बीट नहीं कर पाए। आई थिंक उधर ब्लू मार्क्स दिए तो आई थिंक उधर जाके शूट करना था बेटर रहेगा इतना दूर से शूट करने से अच्छा। तो अभी तक 600 आउट ऑफ 600 और ये देखो कितना दूर आ गया और ये लकीली लगा वॉल पे और उसने मिस कर दिया है तो यहाँ पे चांस। और आई थिंक हम लोग ने भी मिस कर दिया क्योंकि वो वॉल के अंदर से चला गया है, मतलब ऑलरेडी टूटा हुआ कांच से अंदर। अनलकी रहे यहाँ पे और उसने 1400, हम लोग ने 16, उसने 1600, हम लोग ने 1400। सो अगर आप देखते देखते बोर हुए तो ये स्किप करना, आगे चले जाना पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। 600 हो गए और वो अभी तो एक भी मिस नहीं कर रहा है और आई थिंक उसने पहला मिस कर दिया है 800 और हम लोग ने हो लकीली मिले पॉइंट्स यहाँ पे और उसने दूसरा मिस कर दिया है तो यहाँ पे चांस पहली बार लीड ले लिया है। और यहाँ पे हम लोग ने सीधा विंडो के बीच में से मारा तो दोनों के पॉइंट सेम हुए। अभी क्या होगा तो भी कुछ फायदा नहीं, फिर से करना पड़ेगा। लास्ट में ऑलमोस्ट हो गया था, सेम पॉइंट्स थे पर ना एक शॉट ऑलरेडी टूटे हुए विंडो के उधर से गया तो उसके पॉइंट्स नहीं मिले। और यहाँ पे चूक और उसने भी चूक, वो भी चूक गया है। आई डोंट नो इधर इतना एआई डिफिकल्ट क्यों है, इसमें हार्डली कोई चांस छोड़ रहा है। और वो 200 पॉइंट से आगे फिर से और आई थिंक वैसे ही रहेगा स्कोर। और एक बार कोशिश और ये फर्स्ट टच इतना गंदा था पर उसने भी मिस किया पर कुछ फायदा नहीं क्योंकि हम लोग ने भी मिस कर दिया है। यहाँ पे 1800 और उसने मिस कर दिया और 400 का लीड मिल गया है। होपफुली ये टाइम जीत पाएंगे। 400 का लीड मेंटेन और आई थिंक उसको एक चांस मिलेगा और उसने मिस किया है और फाइनली उसको हरा दिया है यहाँ पे और ए ग्रेड मिल गया है। बहुत ही मुश्किल था यहाँ पे उसको हराना और कंप्लीट हो गया है स्किल सेशन। Of course. अच्छा अभी टीम सिलेक्शन कर रहा है। मुझे ले मुझे ले मुझे ले मुझे ले। Sid, between the sticks. And we got one last spot. Last spot अपना। Tough choice. I mean अपने होना चाहिए तो स्टोरी आगे कैसे जाएगा? Final squad member of the tourney is. Suspense. Revy.
You made it. Congratulations. Well done, now the rest of you, keep working hard. You will get your chances. Cool? Is this what the future world champions look like? Care to comment? Sure. Stay behind the camera and we'll have a chance of reaching Buenos Aires. Salty. I'm just thinking of you, Jay. I'm sorry, but Sid, she has talent, yes, but the physical strength to compete on the highest level. Why don't you just back off? It speaks. I think ye story ka villain hoga, aise lag raha. Same team. Look. Uske chehre pe hi villain likha hua hai. She's our best keeper. Period. Maybe she's just your friend. Roper loves himself, that one. Hot kettle. What about you, bro? Anything to say? Kya bolu abhi? I want to thank my mom. Thank my dad. Thank you. Boom. Let's go show some football. Okay. और हम लोग ने पहला आई थिंक जो चैलेंज था जो पहला स्टोरी का पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया है. अनिल थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गेट योर रेयर कोबाल्ट सीवलेस हुडी. तो हम लोग को हुडी रिवॉर्ड मिला है और तो ये देखो ये मेन्यू है. यहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं, सिंगल मैच खेल सकते हैं, स्किल्स का ट्रेनिंग कर सकते हैं और शॉप है कस्टमाइजेशन यहाँ पे, तो स्क्वाड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और सेटिंग्स है. तो ये था दोस्तों पहला पार्ट. हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कैरेक्टर्स का टीम सेटअप हुआ यहाँ पे और सेकेंड पार्ट में हम स्टोरी को आगे लेंगे, थोड़ा कस्टमाइजेशन भी देखेंगे. अगर आपको कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. तब तक के लिए मैं हूँ इंडियन स्पोर्ट्स गेमर, शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने पर.